हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं अपने पैरों में ना नेल पेंट लगाने जा रही हूँ, और ये जो नेल पेंट है वो मैंने वैसे तो आपको ये रेड कलर दिख रहा है, बट ये रेड नहीं है, ये पिंक कलर ही है। और इसको मैं बहुत महीनों बाद लगा रही हूँ, इसको मैंने बहुत टाइम पहले लगाया था। और हाँ, ये सूख भी गया, आपको दिख भी रहा होगा, इसमें है नहीं कुछ, मतलब बहुत थोड़ी सी नेल पेंट रह गई है और ये सूख भी रहा है। जब मैं अपने पैरों पे नेल पेंट लगाने के लिए नेल पेंट देख रही थी ना, तो मैंने सोचा चलो इसको ही पहले ख़त्म करते हैं, इसमें जितना भी नेल पेंट है ना उसको यूज़ में ले लेते हैं, फिर ये जो नेल पेंट की जो बॉटल है वो खाली भी हो जाएगी, फिर उसे फेंक देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ही नेल पेंट है और सूख भी रहा है। तो आज मैंने सोचा चलो इसी को ही लगाते हैं। और अभी मैंने एक पैर में तो नेल पेंट लगा लिया है, दूसरे पैर पे भी मैं लगा रही हूँ, और आप देख सकते हैं मेरे जो पैरों की जो नेल्स हैं ना वो थोड़ी थोड़ी ना पीले भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैं कोई भी इस तरह से अपने पैरों की केयर नहीं कर पाई हूँ। इसी वजह से अगर हम किसी चीज़ की केयर करना छोड़ देना तो आप समझ सकते हैं उसकी हालत क्या हो जाएगी। वही मेरे पैरों के साथ हुआ है अभी। और अभी जो मैंने पायल पहनी हुई है, इस पायल को काफ़ी टाइम हो गया है, मैं पिछले साल लेकर आई थी, तो अभी जगह जगह से टूट भी रही हैं। और इनको साफ़ करो ना तो ये अच्छी तरह से साफ़ नहीं होती हैं, मतलब इतनी चमक नहीं आती जैसे हम न्यू पायल लेके आते हैं, उसमें जो चमक होती है ना, फिर धीरे धीरे वो चमक खोती रहती है। और अभी मैंने अपने हाथों पर नेल पेंट लगाना है, क्योंकि पैरों में तो लगा लिया, अब मैंने सोचा जितना इसमें बचा हुआ है क्यों ना हाथों पर भी लगा लिया जाए, क्योंकि हाथों का भी नेल पेंट मैंने रिमूव किया था, तो इसी नेल पेंट को मैं अपने हाथों पर भी लगा लूँगी। और यहाँ पर आप मेरे में जिस नेल पेंट लगा रही ना, वो मेरा लेफ्ट हैंड है, तो आप उसमें देख रहे होंगे मेरी जो एक फिंगर है ना थोड़ी सी टेढ़ी है, तो वो टेढ़ी इसलिए क्योंकि बहुत टाइम पहले ना मेरे हस्बैंड से थोड़ी सी कुछ नोकझोंक हो गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ना मेरी जो उंगली थी ना उसको एकदम मोड़ दिया था, मतलब पूरा ही मोड़ दिया था। तो समझो ये उंगली मेरी अब ऐसी ही है, मतलब इसको मैंने कोई इलाज भी नहीं कराया पहली बार, तो जैसे कि कोई घर पे आते ना नस संभालने वाले, बस वही दिखाया था मैंने। लेकिन हाँ, जब उस समय इस हाथ की उंगली की जो वो संभालती थी ना, तो सच्ची में ऐसी ही मैं रोती थी, इतना ज़ोर से मैं चिल्लाती थी, बहुत दर्द होता था। उसके बाद क्या किया मैंने, नस संभलवाना ही छोड़ दिया, और कोई मैंने मतलब डॉक्टर के पास भी नहीं दिखाया। फिर जो उंगली है मेरी वो इसी तरह से टेढ़ी ही की टेढ़ी रह गई है, और वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, क्योंकि हर एक काम मैं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ जिस तरह से उंगली है वो वैसे की वैसी ही रह गई है। तो चलिए, बातों ही बातों में हमारा एक हाथ का नेल पेंट तो लग गया है, तो अभी हम जो दूसरा हाथ है उस पर भी अपना नेल पेंट लगा लेंगे। और इसमें ना लगता है मुझे कि एक बार के लिए नेल पेंट और हो जाएगा, उसके बाद ही इसका जो नेल पेंट है वो ख़त्म होगा। लेकिन हाँ, इसमें अभी ये सूख रहा है, तो सोचती हूँ अगर लगाऊंगी तो लगाऊंगी, नहीं तो फिर ऐसे ही रहने दूंगी। तो लीजिए, हमारे दूसरे हाथ पे भी नेल पेंट लग गया है, और वैसे नेल पेंट का जो कलर है ना वो बहुत ही अच्छा है, और बहुत महीनों बाद मैंने लगाया है, बहुत ही प्यारा है। अगर आपको मेरा ये नेल पेंट अच्छा लग रहा है ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा नहीं लग रहा है तो भी लाइक कर ही देना, है ना, अच्छा लगे ना लगे लेकिन लाइक कर देना, है ना। चलिए कोई बात नहीं, वो आपके ऊपर हैगा, आप क्या करेंगे, लाइक या फिर नहीं। चलिए, और अब हम वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर ही, क्योंकि थोड़ी बहुत वीडियो थी मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही प्यार से शूट की हुई है, कि आप लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार करते हैं, और वैसे भी बहुत बहुत टाइम हो जाता है मैं डेली आप तक कोई भी वीडियो नहीं पहुंचा पाती हूं। और आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, और बस आप इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और मेरा सपोर्ट आप लोग करते रहिएगा, वैसे तो आप लोग मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, कुछ मेरे व्यूवर्स मुझसे थोड़ा नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि मैं समय से उन तक वीडियो नहीं पहुँचा पाई, उसके लिए मैं आप सभी से, अपने व्यूवर्स से, अपने सब्सक्राइबर्स से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। और मेरी वीडियो को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।